Think about the times you let me go. दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 4 और मेरी ट्रेन है यहाँ से दिल्ली के लिए, तो मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए और ये बैठे हमारे ठाकुर जी भाई ठंड लग रही है, ब्लैक टी पी रहे हैं क्योंकि दूध वाला नहीं आया। कल इसके पापा कह रहे थे शाम को, उनका बेटा जब तू HM कर रहा था पहले 4 जूते इसमें क्यों ना लगाए, नंगरा तो इसे मार सकता है कूट सकता है। और हंसी तो बहुत आ रही थी क्योंकि स्कूल टाइम में भाई इसने मुझे बहुत मारा है, ऐसे डुक मारता था ना ये सही में, मतलब इस साइड के लग गए ना तो उस रात को इस साइड सोना ही नहीं, करवट ही नहीं बदली जाती थी। बाप ने नहीं लगाई थी, हाँ बाप तो ऑलवेज सपोर्ट कर, बाप के तो लात ही काफी रहते भाई। ट्रेन आने का टाइम हो गया, चलो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाऊंगा आज मैं जाते जाते, ठीक है देखता हूँ बगल में कौन बैठता है मेरे। एक तो टोपी इतनी बड़ी हो गई इसे ना साइड में से, वैसे महंगी जैकेट है मेरी ये साइड में से मोती मोती चूर माँ के लड्डू खाऊंगी घर जाके, वो आज भी बैठ गई है। तो वेलकम बैक, और मैं पहुंच गया हूं आपका स्टेशन पे, पूरा खाली है भाई, बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। और आपको ये देखना है यहाँ पे ना स्टेशन भी ऐसे बना रखे हैं बिल्कुल मंदिर टाइप में, देख रही होंगे। बाकी हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी, शुक्र अब अंदर से गर्म बनियान पहन रखी है तो उससे बच रहा हूँ। बाकी ट्रेन आने में थोड़ा टाइम है अभी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी ब्लॉग ही बना दी जाए, बाकी ट्रेन में तो क्या ब्लॉग बनाऊंगा मैं। और अब इसके बाद जाने वाला हूँ मैं एक सरप्राइजिंग जगह पे, और वो मैं आपको दिखाऊंगा 1-2 ब्लॉग के बाद, ठीक है। वहाँ इससे भी ज़्यादा ठंड है, मज़ा आएगा वहाँ के ब्लॉग में, तो बने रहिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, कीप सपोर्टिंग। आपका भाई अब धारा भाई चलने लगा है, तो भाई अब मैं जाता हूँ कुछ चाय वगैरह पीता हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। थोड़ी सी देर बाद चाय की दुकान पे। एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, तो भाई आ गई है ट्रेन अपनी, हम निकलते हैं आगे को। तो कॉफ़ी पी जाए अब, सुबह सुबह हो रही ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा, अब मैंने ले लिया कॉफ़ी यहाँ से। वेलकम बैक दोस्तों, पहुंच गया मैं दिल्ली, और अब यहाँ पे थोड़ी मैं सोच रहा था भीड़ उतरने दूँ पहले भीड़ को, उसके बाद उतरूँ, क्योंकि स्टेशन इस साइड में देखना सब उतर रहे हैं, तो भाई हम भी उतरते हैं नई दिल्ली। अब यहाँ से मेट्रो पकड़ता हूँ, मेट्रो से फिर जाता हूँ पलवल, मतलब यहाँ से अभी 1-2 घंटे और लग जाएंगे मुझे घर जाने में। आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, घर जाके आवाज़ को खड़ी करता हूँ। अब ये तो था मेरा खाली ट्रैवल वाला ब्लॉग, ऐसा कुछ नहीं है इसमें यार दोस्त वगैरह, तो मिलते हैं अब आपको आगे, मैं जाता हूँ घर पे। ऐसा रहा भाई, तो इस केस में अब दुकान भी उसकी खुल गई है, बाकी उसमें डेकोरेट करना था वो खुद कर लेगा, मेन्यू वगैरह मैंने बता दी, रेसिपी भी मैंने बता दी। एक लड़का ले गया था मैं अपने साथ यहाँ से दिल्ली से, वो भी वहाँ पहुँच गया था, मैं भी पहुँच गया, तो उसका सब काम टोटल हो गया, बस डेकोरेटिंग रह रही है, डेकोरेटिंग वो खुद कर लेगा। तो दोस्तों ऐसी रही मेरी जर्नी, अब मैं इसके बाद जा रहा हूँ सरप्राइजिंग जगह पे 1-2 दिन बाद।
तो भाई पहुंच गया हूँ मैं घर पे, प्लेन नहीं था लेकिन आना पड़ गया। जो अपना काम होगा बाद में निपटाएंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।